अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल 3 मिल्क केक की रेसिपी, जो कि ईजिली घर पर बन के रेडी हो जाता है। ये केक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको जूसी और मॉइस्ट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये केक बहुत ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट बन के रेडी होता है। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमने केक स्पंज रेडी करना है, और केक स्पंज रेडी करने के लिए एक बोल में 4 अंडे ऐड कर लेंगे और इसके साथ ही 80 ग्राम्स ऑफ पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें बोल में ऐड करके इनको अच्छे से बीट करेंगे। इसको इतना बीट करना है कि यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और साइज़ में ट्रिपल हो जाए। जब बैटर यहाँ पर अच्छे से फ्लफ़ी और साइज़ में ट्रिपल हो जाए तो यहाँ पर बग़ैर बीटर को बंद किए इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर 80 ग्राम्स के जितना, और आपने ऑयल ग्रेजुअली ऐड करना है। एकदम से अगर इसके अंदर सारा ऑयल ऐड कर देंगे और बीटर ऑफ कर देंगे तो हमारा जो बैटर है वो एकदम से बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और डी फ्लफ हो जाएगा। इससे हमारा केक अच्छे से राइज नहीं होगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने बीटर को बंद नहीं करना और ऑयल इसके अंदर ग्रेजुअली ही ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। सारा ऑयल ऐड करके अच्छे से बीट करने के बाद इसके एक्सटेंशन यहाँ पर रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने ड्राई फ्लावर ऐड करना है, तो इसके लिए एक सिफ्टर के अंदर 120 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड करके इसको अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे। अच्छे से सिफ्ट करने के बाद फिर इसके अंदर यहाँ पर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इस केक के अंदर बेकिंग सोडा की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, और यह ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से कट एंड फोल्डिंग टेक्निक में फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। मैं वनीला एसेंस पहले ऐड करना भूल गई थी। आप चाहें तो अंडों को बीट करते हुए इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर लें। सारा बैटर मिक्स करके एक पैन में ऐड कर लेंगे और इसको 180 डिग्रीज पे बेक कर लेंगे फॉर अबाउट 45 मिनट्स। 45 to 50 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे इसे, और जब तक केक बेक हो रहा है तो यहाँ पे फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए एक बोल में 200 ग्राम्स ऑफ चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को इतना अच्छे से बीट करेंगे कि इसमें स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो जाए। जैसे इसके अंदर स्टिफ पीक्स बन जाएंगी तो यहाँ पे एक्सटेंशन रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी व्हिपिंग क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के बाद अगेन रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे केक भी अच्छे से बेक हो गया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पे इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए काउंटर टॉप पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 3 मिल्क केक का सोप बनाने के लिए 3 मिल्क्स ऐड करेंगे। इसके लिए एक जग में सबसे पहले 225 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर इवेपोरेटेड मिल्क ऐड होगा, जो कि 225 ग्राम्स ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर प्लेन मिल्क ऐड होगा। आप चाहें तो यहाँ पर डब्बे वाला दूध भी ऐड कर सकते हैं। ये इसके अंदर 150 ग्राम्स ऐड करना है। 225 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क, 225 ग्राम्स ऑफ एवेपोरेटेड मिल्क एंड 150 ग्राम्स ऑफ प्लेन मिल्क ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे केक सोक भी रेडी है। केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद विद द हेल्प ऑफ नाइफ, फोर्क या फिर इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्कीवर, स्कीवर की बैक साइड से इसके अंदर होल्स कर लेंगे। केक को पोक करने से ये होगा कि जब हम इसके अंदर 3 मिल्क का मिक्सचर ऐड करेंगे तो केक उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। इससे केक बहुत ज़्यादा जूसी, मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। तो ये सारे केक के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्कीवर अच्छे से होल्ड कर लेंगे। आप स्कीवर की बजाय नाइफ या फिर फोर्क भी यूज़ कर सकते हैं। सारे केक में अच्छे से होल्स बना लेंगे। सारे केक को पोक करने के बाद इसकी साइड्स भी अच्छे से रिलीज़ करा लेंगे। इससे ये होगा कि जब हम इसके अंदर केक सोक ऐड करेंगे तो वो साइड्स को भी अच्छे से मॉइस्ट बना देगा। अगर यहाँ पे साइड्स को रिलीज़ नहीं करेंगे और ये साथ ही चिपकी रहेंगी तो केक का जो सोक है वो साइड्स तक नहीं जाएगा और केक यहाँ से हार्ड रहेगा। तो यहाँ पर मेक श्योर कि इसको भी अच्छे से रिलीज़ करवा लेंगे। साइड्स रिलीज़ करने के बाद इसके अंदर हम लोग यहाँ पर 3 मिल्क का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। ये आपने यहाँ पर हाफ हाफ करके ऐड करना है। पहले ये ऐड करेंगे, इसको 1 मिनट तक अच्छे से सोक होने देंगे, और जब ये अच्छे से सोक हो जाएगा तो फिर अगेन रिमेनिंग मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेक श्योर कि ये केक सोक आप इवनली सारे केक के ऊपर ऐड करें, ताकि पूरा केक इवनली और स्मूथली अच्छे से सोक हो जाए। यह ऐड करने के बाद जब केक अच्छे से सोक हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर अगेन रिमेनिंग बैटर ऐड करेंगे। अब रिमेनिंग मिक्सचर इसके अंदर सारा ऐड करना है, आपने इसके अंदर बिल्कुल भी बचाना नहीं है। इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगा। ये सारा बैटर ऐड करने के बाद हम लोग इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट 1 और 1.5 आवर, ताकि ये सारा मिक्सचर और केक बहुत अच्छे से चिल हो जाए।
सो बहुत आराम से स्लोली और ग्रेजुअली आपने सारे केक के ऊपर ये सोक ऐड कर देना है ताकि सारा केक जो है वो अच्छे से सोक हो जाए। अब जहाँ से सोक ऐड नहीं हुआ उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें ताकि इवनली सारे केक के अंदर जो हमने सोक रेडी किया है वो चला जाए, हमारा केक हर जगह से प्रॉपरली और इवनली सोक हो। अदरवाइज़ कहीं से केक ज़्यादा सोक हो जाएगा और कहीं से केक कम सोक होगा। सारा केक सोक करने के बाद अब हम इसको फ्रिज में अच्छे से चिल कर लेंगे। सारा केक अच्छे से चिल करने के बाद अब इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग अप्लाई कर लेंगे। फ्रॉस्टिंग अप्लाई करने के लिए मैंने पाइपिंग बैग में एक नोज़ल लगाकर सारी क्रीम ऐड कर ली है। अब इसको इसी के साथ अच्छे से केक के ऊपर पाइप कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप नोज़ल के साथ कोई प्यारा सा डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट केक के ऊपर सिर्फ फ़िलहाल नोज़ल के साथ क्रीम अप्लाई करूँगी और बाद में इसको फ्लैटन कर लूँगी। अदरवाइज़ आप कोई भी 6B, 1M या 2D नोज़ल यूज़ करते हुए केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग का कोई प्यारा सा डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। सारी फ्रॉस्टिंग ऐड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ मैं इसको अच्छे से लेवल अप कर लूँगी। ये काम आप पैलेट नाइफ की बजाय किसी स्क्रेपर के साथ या फिर किसी स्पैचुला के साथ भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको फ्लैटन करने के बाद फिर हम लोग इसके ऊपर सॉस ऐड करेंगे। तो सॉस ऐड करने के लिए आप इसके ऊपर कोई भी सॉस ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉकलेट सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर कैरामल सॉस या फिर वाइट चॉकलेट सॉस आप इसके ऊपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जो सॉस आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप वो सॉस इसके ऊपर ऐड करें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। जितनी ज़्यादा आप ऐड करना चाहते हैं, जितनी कम आप ऐड करना चाहते हैं, आप उतनी ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। सॉस ऐड करने के बाद मैं इस तरह से इसके ऊपर स्विल्स बना लूँगी ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत लगे। इस तरह से स्विल्स बनाकर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत लगता है। यह सारा डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद इसको फ्रिज में अगेन ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये कम्प्लीटली और प्रॉपरली चिल्ड हो जाए, क्योंकि ये केक बहुत ज़्यादा ठंडा करके ही सर्व किया जाता है, फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छे से इन्हेंस होता है। तो अच्छे से चिल करने के बाद इसको गेस्ट को सर्व करें और अच्छे से ठंडा करने के बाद अब मैं आपको इसको डिश करके दिखाती हूँ कि ये केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। ये केक आप भी अपनी दावत पार्टीज़ या हाईली पार्टीज़ पर बना के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये केक बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसे इजीली घर पे बना के रेडी कर सकते हैं और ये केक बहुत ज़्यादा जूसी, मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के रेडी होता है। तो जिनको जूसी और सॉफ्ट मॉइस्ट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, इस रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लेट मी शो यू कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट केक की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपके साथ किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।